अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर ऑटोमोटिव चैनल। आज मैं आपको 20 लाख रुपए के बजट में जो पाकिस्तानी मार्केट में जो गाड़ियां अवेलेबल हैं उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप 5 लाख रुपए के बजट में, 10 लाख के बजट में और 15 लाख रुपए के बजट में अगर आप गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं तो इस चैनल पर ये वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 20 लाख के बजट में होंडा सिटी IDSi आ जाती है। होंडा सिटी IDSi 2003 से लेकर 2008 तक आई है। ये गाड़ी इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिहाज से इस बजट में बहुत अच्छी है। इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन 1300 सीसी आता था। और अगर हम ओवरऑल इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। 20 लाख रुपए के बजट में आपको इसमें ABS और पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो मिल जाती है। और अगर हम इसकी AC की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बहुत अच्छी है। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो इसकी फ्यूल एवरेज के जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसकी शहर में 15 किलोमीटर पर लीटर विद AC और लॉन्ग रूट पर 18 किलोमीटर पर लीटर इसकी जो एवरेज है वो आपको मिल जाती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास होंडा सिविक रिबॉन की ऑप्शन आ जाती है। होंडा सिविक रिबॉन 8th जनरेशन सिविक है जो कि 2006 से लेकर 2011 तक पाकिस्तानी मार्केट में आती थी। ये गाड़ी मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और ये गाड़ी 1800 सीसी IVTEC इंजन के साथ आती थी। और अगर हम इस गाड़ी की ओवरऑल लुक्स की बात करें तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लुक्स में खूबसूरत है और इसके अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाता है। और अगर हम इसके ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो इस बजट में सबसे खूबसूरत गाड़ी यही है। और अगर हम इसके ओवरऑल इंटीरियर की लुक्स की बात करें तो इसकी जो इंटीरियर की लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें आपको डिजिटल मीटर भी मिल जाता है और इसके अलावा इसके अंदर आपको ABS, EBD और VSA भी मिल जाता है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो शहर में 9 से 10 देती है और लॉन्ग रूट पर ये गाड़ी आपको 10 से लेकर 14 तक की एवरेज दे देती है। नंबर पे हमारे पास क्रोला XLi 10 जनरेशन की ऑप्शन आ जाएगी जो कि 2009 से लेकर 2012 तक का मॉडल आपको इस बजट में इजीली मिल जाएगा। अगर हम गाड़ी की ओवरऑल लुक की बात करें तो गाड़ी ओवरऑल लुक में कॉम्पैक्ट सेडान है, बहुत अच्छी गाड़ी है। और अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इस बजट में इसका इंटीरियर जो है वो भी बहुत अच्छा है। और ओवरऑल अगर हम इसके फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और ओवरऑल फ़ीचर्स जो हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। और अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो इसकी शहर में 12 और लॉन्ग रूट पर 16 आपको इजीली ये गाड़ी दे देगी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास सुजुकी स्विफ्ट की ऑप्शन आ जाएगी। सुजुकी स्विफ्ट भी इस बजट में बहुत अच्छी गाड़ी है। और हम अगर ओवरऑल इस गाड़ी की लुक्स की बात करें तो ये हैचबैक गाड़ी है और इस बजट में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर हम इसकी ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। इसमें 1.3 लीटर इंजन आता है जो कि अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 11 से 12 शहर में और 14 से 15 जो है आपको लॉन्ग रोड पे इजीली दे देता है। और इस गाड़ी के ओवरऑल जो फीचर्स हैं इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेक्स मिलती हैं और पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ABS वगैरह भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। और 20 लाख के बजट में ये भी आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन मौजूद है। कि सुजुकी एवरी भी एक बहुत अच्छी गाड़ी तो नहीं हम इसे कह सकते, इसको हम वैन कह सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी वैन है। और अगर हम इसकी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो है आपको पावर विंडोज़ मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, AC मिल जाता है। और ये गाड़ी भी 660 CC है। और अगर हम इसकी ओवरऑल लुक्स की बात करें तो जो बोलान है उससे अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये लुक्स में जो है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कंफर्ट में भी ये गाड़ी बोलान से अच्छी है। और अगर हम इसकी ओवरऑल लुक्स की बात करें और अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करते हैं तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो NCT 13 है और लॉन्ग रूट पर 16 है। और ये बिल्कुल आप फैमिली के साथ, बिल्कुल आप लॉन्ग रूट्स के ऊपर इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं।
और 20 लाख के बजट में ये गाड़ी भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। सुजुकी एवरी 2011 से लेकर 2013 तक का मॉडल आपको 20 लाख के बजट में इजीली मिल जाएगा। 7th नंबर पे हमारे पास जापानी आल्टो की ऑप्शन आ जाती है। ये गाड़ी भी 660 सीसी है और ये गाड़ी जो 2006 से लेकर जापानी मार्केट में 2009 तक आई है और मज़दा में ये कैरोल के नाम से भी आती है। ये गाड़ी भी आपको 20 लाख के बजट में इजीली मिल जाएगी। और अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी शहर में 14 और लॉन्ग रूट पे 18 आपको इजीली दे देती है। और ये गाड़ी भी आपके पास से एक बहुत अच्छी ऑप्शन है 20 लाख रुपए के बजट के अंदर। 8th नंबर पे हमारे पास टोयोटा पासो की ऑप्शन आ जाती है। टोयोटा पासो जो 2004 से लेके 2007 तक आई है, ये गाड़ी भी इस बजट में बहुत अच्छी गाड़ी है और इसके अंदर 1000 सीसी इंजन आता है। और अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो शहर में ये 12 से 13 देती है और लॉन्ग रूट पे ये आपको 15 दे देती है। और अगर हम ओवरऑल इसके इंटीरियर की बात करें तो इस बजट में इसका जो ओवरऑल लुक्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और इसके अंदर आपको 2 एयरबैग मिल जाती हैं और इसके साथ आपको अलॉय रिम्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री और पावर स्टीयरिंग पावर विंडो भी आपको मिल जाता है। और इस बजट के अंदर इसका जो एसी है वो भी, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। कहता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।